नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने पेश हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जांच अधिकारियों ने सोमवार को 9 घंटे तक पूछताछ की। राहुल गांधी के जवाबों से बन रहे सवालों के चलते ये पूछताछ लंबी खिंचती चली गई। इससे पहले करीब 11:15 ईडी ऑफिस पहुंचते ही वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उनसे मोबाइल फोन वगैरह के बारे में पूछा तो राहुल ने कहा कि आप चेक कर लीजिए, ये आपकी ड्यूटी है। हालांकि राहुल गांधी के पास मोबाइल नहीं था, उनके हाथ में सिर्फ ईडी के समन की कॉपी थी। इसके बाद राहुल सुरक्षा कर्मियों के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक के जांच अधिकारी के पास पहुंचे। रास्ते में राहुल गांधी ने साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों से उनका नाम पूछा, साथ ही ये भी कहा कि आप कितने दिनों से यहां कार्यरत हैं, क्या जांच के लिए आने वाले हर शख्स को इसी तरह जांच अधिकारी के पास ले जाते हैं। ये सुनकर सुरक्षा कर्मी और ईडी कर्मचारी मुस्कुरा कर रह गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं राहुल गांधी जब जांच अधिकारी के कमरे में पहुंचे तो वहां अधिकारी मौजूद नहीं थे। पूछने पर पता चला कि साथ के कर्मचारियों ने उनसे कहा कि आप बैठिए, साहब आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक तब तक राहुल अधिकारी के आने के इंतजार में वहां खड़े रहे। अधिकारी जब पहुंचे तो उन्होंने राहुल गांधी को बैठने को कहा, मास्क लगाए राहुल गांधी ने कहा कि थैंक्स, मुझसे जो पूछना है पूछिए, मैं तैयार हूं। राहुल गांधी को पानी दिया गया, उनसे चाय और कॉफी के बारे में पूछा गया, उन्होंने हर चीज के लिए मना कर दिया, एक भी बार उन्होंने अपना मास्क नहीं हटाया। राहुल गांधी ने जांच अधिकारी से उनका नाम और पद के बारे में जानकारी ली। राहुल गांधी ने अधिकारी से कहा कि यहां कांग्रेस नेताओं के अलावा कोई और भी आता है क्या। हालांकि अधिकारियों ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। चलिए आपको बताते हैं राहुल गांधी से पूछे गए कुछ अहम सवाल। आपकी संपत्ति कहाँ कहाँ है, क्या विदेश में कोई संपत्ति है, हाँ तो कहाँ और कितनी है, AJL में आपकी भूमिका क्या थी, यंग इंडिया से आप कैसे जुड़े, यंग इंडिया के डायरेक्टर कैसे बने, कंपनी कब कितने में बनाई गई, क्या यंग इंडिया AJL का टेक ओवर कर सकती है, AJL की देनदारी खत्म करने के लिए जो पेमेंट हुई वो किसके फैसले पर दी गई, AJL के 50 लाख के जो शेयर आपने खरीदे उसका पेमेंट कैसे किया गया था, आपकी कितनी हिस्सेदारी थी, आपने अपने शेयर कैसे और कितने में खरीदे, इसके लिए पैसे कहाँ से जुटाए, AJL की 90.9 करोड़ रुपए की देनदारी को टेक ओवर करने के बाद माफ क्यों कर दिया गया, शेयर अपने नाम किए जबकि नेशनल हेराल्ड को कांग्रेस ने 90.9 करोड़ रुपए दिए, टेक ओवर के लिए पुराने शेयर होल्डर्स की मीटिंग के मिनट्स कितने थे, अगर मीटिंग नहीं बुलाई गई थी तो इसका कारण क्या था, AJL को कांग्रेस पार्टी ने लोन क्यों दिया जबकि वे एक डूबता हुआ जहाज था, नेशनल हेराल्ड को पूर्ण जीवित करने के पीछे क्या मकसद था, ईडी दफ्तर में राहुल गांधी को किसी भी तरह का VIP ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, ईडी अधिकारी ने उनसे उसी तरह पूछताछ की जैसे वो किसी आम आरोपी से करते। ऐसे ईडी की तरफ से एक मैसेज भी माना जा रहा है कि ईडी अधिकारी हर किसी के साथ समान व्यवहार करते हैं। वहीं राहुल गांधी के जवाब को वहां मौजूद कर्मचारी कंप्यूटर में फीड करते जा रहे थे। जांच पूरी होने के बाद पूरे बयानों की कॉपी राहुल गांधी को भी दी जाएगी जिसे वो खुद पढ़ेंगे और साइन करके जमा करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।